राजेंद्र नाथ लाहिड़ी 29 जून 1901, 17 दिसंबर 1927 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। युवा क्रांतिकारी लाहिड़ी की प्रसिद्धि काकोरी कांड के एक प्रमुख अभियुक्त के रूप में है। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे, जिसका ध्येय भारत को ब्रितानी दास्ता से मुक्त करना था। बंगाल, आज का बांग्लादेश में पबना जिले के अंतर्गत मड़िया मोहनपुर गांव में 29 जून 1901 के दिन क्षिति मोहन लाहिड़ी के घर राजेंद्रनाथ लाहिड़ी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम बसंत कुमारी था। उनके जन्म के समय पिता क्रांतिकारी क्षिति मोहन लाहिड़ी व बड़े भाई बंगाल में चल रही अनुशीलन समिति की गुप्त गतिविधियों में योगदान देने के आरोप में कारावास की सलाखों के पीछे कैद थे। दिल में राष्ट्र प्रेम की चिंगारी लेकर मात्र 9 वर्ष की आयु में ही वे बंगाल से अपने मामा के घर वाराणसी पहुँचे। वाराणसी में ही उनकी शिक्षा दीक्षा सम्पन्न हुई। काकोरी कांड के दौरान लाहिड़ी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास विषय में M.0 प्रथम वर्ष के छात्र थे। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा के जिला कारागार में अपने साथियों से 2 दिन पहले उन्हें फांसी दे दी गई। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को देश प्रेम और निर्भीकता की भावना विरासत में मिली थी। राजेंद्रनाथ काशी की धार्मिक नगरी में पढ़ाई करने गए थे, किंतु संयोगवश वहां पहले से ही निवास कर रहे सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के संपर्क में आ गए। राजेंद्र की फौलादी दृढ़ता, देश प्रेम और आजादी के प्रति दीवानगी के गुणों को पहचानकर शचीन्द्रनाथ ने उन्हें अपने साथ रखकर बनारस से निकलने वाली पत्रिका बंगवाणी के संपादन का दायित्व तो दिया ही, अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा के सशस्त्र विभाग का प्रभार भी सौंप दिया। उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गुप्त बैठकों में आमंत्रित भी किया जाने लगा। पठन पाठन की अत्यधिक रुचि तथा बांग्ला साहित्य के प्रति स्वाभाविक प्रेम के कारण लाहिड़ी अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी माता की स्मृति में बसंत कुमारी नाम का एक पारिवारिक पुस्तकालय स्थापित कर लिया था। काकोरी कांड में गिरफ्तारी के समय ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बांग्ला साहित्य परिषद के मंत्री थे। इनके लेख बांग्ला के बंगवाणी और शंख आदि पत्रों में छपा करते थे। लाहिड़ी ही बनारस के क्रांतिकारियों के हस्तलिखित पत्र अग्रदूत के प्रवर्तक थे। इनका लगातार यह प्रयास रहता था कि क्रांतिकारी दल का प्रत्येक सदस्य अपने विचारों को लेख के रूप में दर्ज करे। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था को देखते हुए शाहजहांपुर में दल के सामरिक विभाग के प्रमुख पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के निवास पर हुई बैठक में राजेंद्रनाथ लाहिड़ी भी सम्मिलित हुए, जिसमें सभी क्रांतिकारियों ने एकमत से अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना को अंतिम रूप दिया था। इस योजना में लाहिड़ी का अहम किरदार था, क्योंकि उन्होंने ही अशफाक उल्ला खां के ट्रेन न लूटने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप अशफाक ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था। इस योजना को अंजाम देने के लिए लाहिड़ी ने काकोरी से ट्रेन छूटते ही जंजीर खींचकर उसे रोक लिया और 9 अगस्त 1925 की शाम सहारनपुर से चलकर लखनऊ पहुंचने वाली 8 डाउन ट्रेन पर क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद व 6 अन्य सहयोगियों की मदद से धावा बोल दिया। कुल 10 नवयुवकों ने मिलकर ट्रेन में जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया। मजे की बात यह कि उसी ट्रेन में सफर कर रहे अंग्रेज सैनिकों तक की हिम्मत न हुई कि वे मुकाबला करने को आगे आते। काकोरी कांड के बाद बिस्मिल ने लाहिड़ी को बम बनाने का प्रशिक्षण लेने बंगाल भेज दिया। राजेंद्र बाबू कलकत्ता गए और वहां से कुछ दूर स्थित दक्षिणेश्वर में उन्होंने बम बनाने का सामान इकट्ठा किया। अभी वे पूरी तरह से प्रशिक्षित भी न हो पाए थे कि किसी साथी की असावधानी से एक बम फट गया और बम का धमाका सुनकर पुलिस आ गई। कुल 9 साथियों के साथ राजेंद्र भी गिरफ्तार हो गए। उन पर मुकदमा दायर किया और 10 वर्ष की सजा हुई, जो अपील करने पर 5 वर्ष कर दी गई। बाद में ब्रिटिश राज ने दल के सभी प्रमुख क्रांतिकारियों पर काकोरी कांड के नाम से मुकदमा दायर करते हुए सभी पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने तथा खजाना लूटने का न केवल आरोप लगाया, बल्कि झूठी गवाहियां व मनगढ़ंत प्रमाण पेश कर उसे सही साबित भी कर दिखाया। राजेंद्र लाहिड़ी को काकोरी कांड में शामिल करने के लिए बंगाल से लखनऊ लाया गया। तमाम अपीलों व दलीलों के बावजूद सरकार टस से मस न हुई और अंततः राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह, एक साथ 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा सुना दी गई।
लाहिड़ी को अन्य क्रांतिकारियों से दो दिन पूर्व 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई। आजादी के इस दीवाने ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने से पहले वंदे मातरम की हुंकार भरते हुए कहा था, मैं मर नहीं रहा हूँ बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक क्रांतिकारी महानायक का स्थान प्राप्त है। प्रति वर्ष 17 दिसंबर स्थानीय जिला प्रशासन के लिए राजकीय महत्व का दिवस होता है। इस दिन जिले के समस्त विद्यालयों एवं प्रशासनिक प्रतिष्ठानों में राजकीय उत्सव का माहौल रहता है। सभी संबद्ध प्रतिष्ठानों में शहीद लाहिड़ी के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 5 इन समस्त सांस्कृतिक आयोजनों का केंद्र बिंदु गोंडा का जिला कारागार होता है। कारागार के फांसी घर में स्थापित लाहिड़ी की प्रतिमा के समक्ष यज्ञ का आयोजन किया जाता है। 6-7 फांसी के दिन भी सुबह सुबह लाहिड़ी व्यायाम कर रहे थे। जेलर ने पूछा कि मरने के पहले व्यायाम का क्या प्रयोजन है। लाहिड़ी ने निर्वेद भाव से उत्तर दिया, जेलर साहब, चूंकि मैं हिंदू हूँ और पुनर्जन्म में मेरी अटूट आस्था है, अतः अगले जन्म में मैं स्वस्थ शरीर के साथ ही पैदा होना चाहता हूँ ताकि अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर देश को स्वतंत्र करा सकूं। इसीलिए मैं रोज सुबह व्यायाम करता हूँ। आज मेरे जीवन का सर्वाधिक गौरवशाली दिवस है, तो यह क्रम मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। यज्ञ के आयोजन के पार्श्व में लाहिड़ी द्वारा जेलर को दिया गया अंतिम संदेश एक शिलापट पर अंकित है, मैं मरने नहीं जा रहा अपितु भारत को स्वतंत्र कराने के लिए पुनर्जन्म लेने जा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त इन समस्त घटनाओं का उल्लेख भी गोंडा जिला कारागार के फांसी गृह में स्थापित लाहिड़ी जीवनवृत्त शिलापट पर अंकित है। धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लाहिड़ी की अंतिम इच्छा का सम्मान करने की यह परंपरा आज तक कायम है। 8 लाहिड़ी की क्रांतिकारी महानायक छवि को पुष्ट करती कविता शहीद लाहिड़ी के प्रति भी जिला कारागार के फांसी गृह में स्थापित एक अन्य शिलापट पर अंकित है।